मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ उनकी ही पत्नी ने धार जिले के एक थाने में बलात्कार करने और पारिवारिक यात्रा हिंसा किए जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। इस मामले में उमंग सिंगार ने कहा है कि वो निर्दोष है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके पीछे कोई षड्यंत्र काम कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंगार गुजरात के सह प्रभारी है, उनके खिलाफ ऐसे एक नहीं कई मामले इससे पहले भी एक महिला आत्महत्या कर चुकी है। वीडियो शर्मा का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके नेता जो गुजरात के सह प्रभारी है, अब आप सोचिए कि ऐसे लोग गुजरात के सह प्रभारी है तो गुजरात में क्या होने वाला है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत तो होगी ही, ऐसे लोग जो उमंग सिंगार जैसे लोग जिन पर एक आरोप नहीं है, इनके ऊपर आरोपों की श्रृंखला आरोप नहीं, इन्होंने इस प्रकार के लोगों के साथ अन्याय करने की इनकी श्रृंखला है। आपको ध्यान में होगा पिछले समय में भोपाल के अंदर हमारी कोई एक बहन जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसमें भी यही कह रहे थे कि मैंने शादी कर ली थी और फिर वो मुझे ये कर रही थी। आज यहां पर एक इस प्रकार की घटना, एक बहन ने FIR दर्ज कराई है, और भी कई प्रकरण है मुझे तो सुनने को मिला है, पता नहीं लंबी फहरिस्त है। अरे कांग्रेस का क्या यही चरित्र है? कमलनाथ जी जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर यही आपके नेता हैं उमंग सिंगार जैसे लोग, और इनके बारे में कमलनाथ और कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूं केंद्रीय नेतृत्व को भी, राहुल गांधी जी आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं, आप गुजरात भी जा रहे थे, गुजरात के सह प्रभारी है वो, और वो लोग इस प्रकार की महिलाओं के साथ घटनाओं में उनके ऊपर किस प्रकार की धाराएं लगी हैं, इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल के सीकचों में पहुंचना चाहिए। और उसके बाद सीनेजोरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिला उनसे ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है, कांग्रेस का यही चरित्र है, पूरा मध्य प्रदेश इन्हें जानता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस के इस प्रकार के जो लोग हैं इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होते हैं और बाद में उसी मातृशक्ति पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, जो और दुर्भाग्यजनक है और अपराध इन्होंने किया है, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए।